बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। होटल सुख सागर NH 48 नियर दहमी बहरोड, तमाम सुविधाओं से युक्त शुद्ध शाकाहारी भोजन, अनोखा स्वाद आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 9991985212। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इन मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड स्टेडियम में पत्रकार संघ बहरोड MCISF सेंटर अनंतपुरा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मिस इंडिया ज्योति जांगिड, यूनिक स्कूल डायरेक्टर सुमित यादव एवं CISF सेंटर के अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योगिक क्रियाएं कर स्वस्थ शरीर रखने का संदेश दिया। ज्योति जांगिड ने बताया कि योग का जीवन में बड़ा महत्व है, योग से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। वहीं प्रतिदिन योग करने का संकल्प भी लिया गया। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड, क्लास 3rd to 12th, प्री फाउंडेशन, हिंदी व इंग्लिश मीडियम। स्कूल संचालक सुमित यादव ने एक संकल्प के साथ स्कूल की स्थापना की। यूनिक परिवार ने जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय मेरिट देकर राड क्षेत्र में एक सिरमौर संस्थान का मुकाम हासिल किया है। इसमें तमाम सुविधाएं, स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नौदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT व नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपका एक फैसला बनाएगा आपके बच्चों का भविष्य। सपने देखो, मेहनत करो, हमारे संग आगे बढ़ो। क्षेत्र में युवाओं को सही राह दिखाने के लिए बेहतरीन विकल्प कारगिल डिफेंस एकेडमी कॉलेज डिग्री प्लस सरकारी नौकरी, 100 से अधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान। स्पेशल गारंटी बैच के लिए आज ही संपर्क करें, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सहित तमाम सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को किया जाता है तैयार। बात चाहे कठोर फिजिकल की हो या फिर कॉम्पिटिशन फाइट करने की, कारगिल एकेडमी नंबर 1 एकेडमी बनी हुई है। बेहतरीन भोजन की व्यवस्था, कड़ा अनुशासन, नौकरी पर फोकस, देवनगर अलवर रोड बहरोड। संचालक सजन यादव, एक्स आर्मी नेशनल एथलेटिक। बात करेंगे कोटपुतली की, जहां बड़ी खबर है, 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत होने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि 2 कारों में हुई आमने सामने भिड़ंत, दोनों कारों के एयरबैग खुलने से एक बड़ा हादसा टल गया। एक कार में सवार बहरोड का एक पूरा परिवार हुआ चोटिल। ग्रामीणों ने घायलों को BDM अस्पताल ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां पर घायलों को इलाज के लिए रखा गया और घायलों का उपचार जारी है। हर माँ बाप दौलत के पीछे भागता है, और सही मायने में उनके बच्चे ही सच्ची दौलत हैं, जिनको सही राह दिखाता है हैप्पी मिलिट्री एकेडमी, जहां आप लोगों के ननिहालों को सैनिक, मिलिट्री, जवाहर नवोदय, गुरुकुल, RIMC व सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्री फाउंडेशन बैच की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। अमित सर, मैजिशियन ऑफ मैथ के निर्देशन में 6 सितंबर 2020 को शुरू हुई हैप्पी मिलिट्री एकेडमी आज युवाओं के भविष्य को सवारने में नंबर 1 एकेडमी बनी हुई है, जहां पर बॉय एंड गर्ल हॉस्टल सुविधा सहित तमाम सुविधाओं से युक्त एकेडमी, नारनौल रोड बहरोड। माधव अस्पताल सर्जिकल ENT डेंटल ट्रोमा एवं जच्चा बच्चा अस्पताल तमाम सुविधाओं से युक्त, जहां RGHS चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं TPA के तहत निःशुल्क ऑपरेशन व भर्ती की सुविधा। इतना ही नहीं, आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे सहित प्राइवेट व सुपर डिलक्स रूम उपलब्ध। निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव, प्रशासक नरेंद्र यादव, कुंड रोड बहरोड। केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। कोटपुतली शहर में स्थित पालिका पार्क में बड़ी संख्या में युवाओं ने धरना देकर अग्निपथ योजना का विरोध जताया। धरना प्रदर्शन की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी व भारी पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और समझाइश की। इस दौरान युवाओं ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज कर उत्पात कर रहे युवाओं को खदेड़ा। इसके बाद उत्पाती युवकों ने हाईवे पर पहुंचकर गाड़ियों पर पत्थर फेंके, जिसमें वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी से कई वाहनों के शीशे टूट गए। वहीं धरना समाप्त की कहकर युवा फिर पुतली कट पर व कल्याणपुरा पुल के पास NH 48 को जाम कर 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिससे सवारियों को हल्की चोटें भी आई। इस दौरान QRT टीम
एसपी, डीएसपी, तहसीलदार, एसडीएम सहित जयपुर जिले का जाप्ता तैनात रहा। पुलिस ने युवाओं को खदेड़ते हुए लाठीचार्ज भी की है। एसआई भर्ती को लेकर जो आपका तीन लोगों को थी, तो यहाँ कोटपुतली में बहुत सारी अकेडमीज हैं जो इनको सेना के लिए तैयार करती हैं। बिना किसी अनुमति के, किसी भी संचालक ने किसी प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली, यहाँ पार्क में, नगर पालिका पार्क में इकट्ठे हुए बच्चे, और उसके बाद कुछ बच्चों ने बाहर की साइड से पथराव शुरू कर दिया। पुलिस जाब्ता उस समय कम था, इस पर ये स्केटर्ड हो गए इधर उधर मार्केट में, कुछ लोग रोड पर चले गए, नेशनल हाईवे को भी रोकने की कोशिश करी और वहाँ भी कुछ बसों के शीशे तोड़े गए थे। तो पुलिस फोर्स उधर मूवमेंट हुआ तो वहाँ से फिर भाग गए। बाद में सारे एकत्रित होकर कुछ पार्ट में यहाँ पार्क में आए हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया इस संबंध में जो आगे पहुँचाया जाएगा। सर, ज्ञापन में क्या मांग रखी है? ज्ञापन को मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मांग वही है कि ये जो अस्थायी भर्ती है इसकी बजाय परमानेंट भर्ती जो है वो खोली जाए। सर, तो तोड़फोड़ में नुकसान या किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट आई? नहीं, पुलिसकर्मी को किसी कोई चोट नहीं आई। नेशनल हाईवे पर ऐसा जानकारी में है कुछ बसों की अनुमति से तोड़े गए, तो अभी तक हमारे सामने कोई रिपोर्ट आई नहीं। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय एसबीआई बैंक के पास बहरोड, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, प्रवेश प्रारंभ, बीए बीएससी ऑल सब्जेक्ट, एमए भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला महाविद्यालय, तमाम सुविधाओं से युक्त पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, आपकी बेटियों के लिए कड़ा अनुशासन एवं उच्च शिक्षा, सचिव जयप्रकाश मीणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड एक नाम है विश्वास का, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों को, बढ़ाया जाता है उनका आत्मविश्वास, उन्हें महसूस करवाया जाता है उनका आत्मसम्मान, निखारा जाता है उनकी सृजनात्मकता को। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड एक प्रयास है अनुभवी व प्रशिक्षित व्यक्तियों का, जो आपके बच्चों को दे सके अच्छे संस्कारों के साथ उत्तम शिक्षा। आज ही अपने लाडलों का एडमिशन करवाएं। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिल रही धमकी के कारण तनाव में आकर युवक ने लगाई फांसी, अपनी जीवन लीला की समाप्त। पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस ने शव को अलवर के सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। एमआईए थाने के सहायक उपनिरीक्षक महेश शर्मा ने बताया कि खेडली सैयद निवासी मधुबाला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके लड़के दीपक वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व दीपक क्षेत्र के विशेष समुदाय की लड़की को अपने साथ ले गया है, जिस पर लड़की पक्ष के लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज भी करवाया था। दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, वहीं लड़की को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कुछ समय पश्चात दीपक को जमानत मिल गई, तभी से लड़की के पक्ष के लोगों से दीपक को लगातार जाति सूचक शब्दों से धमकाया जा रहा था, जिसके कारण वह लगातार तनाव में चल रहा था, इस कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। कल मधुबाला पत्नी फूल सिंह जाति जाटव निवासी खेडली सैयद ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा दीपक वर्मा पुत्र रामोतार जाति जाटव निवासी खेडली सैयद उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने रिपोर्ट ये दर्ज कराई है कि उसका लड़का पहले मोमडन की लड़की को ले गया था, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर लड़की वापस आ गई और दीपक वर्मा को जेल भेज दिया था, गिरफ्तार किया जाकर जेल से जमानत हो गई। जमानत के बाद में अब इसको उस लड़की के परिजन धमकियां दे रहे थे और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित कर रहे थे, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया कल। और परेशान चल रहा था, तनाव में आकर, मानसिक रूप से तनाव में आकर इसने आत्महत्या की है। इस संबंध में थाने पर कल मुकदमा दर्ज हुआ है 306/452/504/506/3 SC/ST Act में। 33 श्री कमल मीणा CO साहब रामगढ़ कर रहे हैं। मृतक का पोस्टमार्टम, मृतक की लाश GH अलवर में रखी हुई है, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आने पर और जांच श्रीमान CO साहब कर रहे हैं, जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए।
सर्वांगीण विकास सार्थक प्रयास सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल खिड़की रोड सबलपुरा मोहला बहरू, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।